वेलकम नाज़रीन जी, पाकिस्तान डेली के साथ कमरजमन भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। पंजाब असम्बली का बजट सेशन जो है वो जारी है, उस पर बहस का आगाज़ हो चुका है। उज़्मा ज़हीम कादरी साहब हमारे मौजूद है। उज़्मा साहब, ये पंजाब का जो बजट है इसको किस कदर देख रही हैं आवाम के लिए और ख़वातीन के लिए? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मुश्किल हालात हैं, ये इस बात से हम डिनाई नहीं करते, बहुत मुश्किल हालात हैं। मगर इस मुश्किल हालात में भी ये सहरा शहबाज शरीफ साहब को जाता है कि वो इकानमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है तो इंशाल्लाह पंजाब में आप देखेंगे कि जो जिस तरह आटे पे सब्सिडी दी जा रही है, घी पे दी जा रही है और तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया सरकारी मुलाजमीन का, तो है तो ये कोशिश थोड़ी है, ज़्यादा है मगर कोशिश तो है। मगर इंशाल्लाह हालात बहुत जल्दी बेहतर होंगे। पेट्रोल की प्राइसेस एक बहुत बड़ा इशू है, मगर ग्लोबली अगर आप देखें तो पेट्रोल की प्राइसेस राइज कर गई हैं, मगर स्टिल हम यही समझते हैं कि हम सजेशन यही है कि जो रिक्शा या मोटरसाइकिल वाले हैं उनको सब्सिडी अभी भी दी जाए, बड़ी गाड़ियों वालों से पूरे पैसे वसूल किए जाएँ, मगर जो गरीब लोग दिहाड़ीदार हैं या 1000 रुपया दिन का कमाते हैं, अगर वो 400 का पेट्रोल डलवा लेंगे तो घर क्या लेके जाएंगे, उनके लिए सब्सिडी का प्लान है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला की ज़ात जिसने ये पाकिस्तान हमें दिया है इंशाल्लाह वो हमारे बिल्कुल साथ है और अल्लाह ताला की ज़ात करम करेंगी और देखना आप पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन फिर से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।